तारीख 28 जून 1914 को सुबह करीब 10 बजे ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी सराजेबो के दौरे पर पहुंचे थे। तभी इनके काफिले पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ, लेकिन हमले में उनके पीछे की कार पर बम गिरा, जिसमें आर्चड्यूक और उनकी पत्नी सोफी साफ साफ बच गए। लेकिन जब वे वापस भाषण दे करके अस्पताल में घायलों को देखने के लिए जा रहे थे, तभी 10:45 पर गैब्रियलो प्रिंसिप नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र महज 19 साल थी, इसने आर्चड्यूक और उसकी पत्नी सोफी को गोली मार करके हत्या कर दी। गैब्रियलो प्रिंसिप सर्बिया के एक ब्लैक हैंड मिलिट्री सोसाइटी का एक सदस्य था। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया से यह जवाब मांगा कि उसके उत्तराधिकारी की हत्या क्यों की गई, लेकिन सर्बिया वालों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। देखते ही देखते यह लड़ाई दो गुटों में तब्दील हो गई। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, जिसके चलते युद्ध भयानक रूप लेता चला गया और जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।